आप आ जाओ। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं पाटन भद्रेवाड़ी में इस्माइल भाई के यहाँ पे आया हूँ। ये हमारे यहाँ से सीडलेस लेमन लगाए हुए हैं। इनके करीब 460 प्लांट हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये एक साल में जो प्लांट की स्थिति है इनकी, तो इन्होंने क्या क्या किया और ये कहाँ से ये पौधा लेके आए, तो इनको जानकारी कहाँ से मिली, तो इसके बारे में हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते इस्माइल भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। मज़ा। तो इस्माइल भाई, आपको ये सीडलेस के बारे में कहाँ से पता चला? हाँ, मेरे को एक बात हुआ और फिर बाल तरू नर्सरी में से हमने संपर्क किया। जी जी। वहाँ से फिर हमको सब नॉलेज मिला। हाँ हाँ। और फिर हमने ये, तो ये पौधा आप कब लगाए थे? ये पौधा हमने लगाया जुलाई 2017 को। जी जी। और आज ये जुलाई 2018 है। 18 है, मतलब आपके पौधों की उम्र एक साल करीब हो गया है। एक साल हो गई है। तो इस बीच में आपने क्या क्या किया इसके साथ, मतलब क्या क्या खाद वगैरह ट्रीटमेंट क्या किए आप? ये ट्रीटमेंट हमने किया है लगभग जीव अमृत और ये अपने नेट सर्फ और ये गोबर की खाद ने वो सब डाले। 15-20 दिन के अंतर में सब विकास का दवा ने वो। जी जी। और अच्छा परिणाम मिल रहा है अभी तक। जी जी। बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। हाँ। और खुश है हम। जी। तो जैसे आपने एक साल में इतनी अच्छी ग्रोथ पाई है और बहुत ही कम खर्चों में, मतलब आपका जो खाद का खर्चा है बहुत ही कम है। जनरली चीज़ें जैसे गोबर की खाद है या जीव अमृत है, अमृत संजीवनी है या फिर नेट सर्फ की दवा है, वो यूज करके इस्माइल भाई ने एक साल में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ किया है अपने पौधों का। तो इस्माइल भाई, और भी किसान भाई जैसे अगर करना चाहें सीडलेस लेमन, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि अभी दूसरी खेती की वजह से यही अभी सीडलेस नींबू डाले और अच्छा मुनाफा पावे। जी जी। और इसमें खर्चा भी कम है, मेहनत भी कम है, दूसरा भी उसमें एक बरस के बाद दूसरा भी धान ले सकते हैं इसके अंदर में। मतलब अगर आप खाली बैठे हुए हैं एक साल, अगर आपको इनकम नहीं हो रही है, तो इसके बीच में आप 6 महीने के बाद से कोई भी छोटा मोटा क्रॉप जैसे सींग हो गया या मूंग हो गया या मैरीगोल्ड हो गया, हजारना बोलते हैं गुजराती में, तो वो डाल के आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और इसमें जो खाद उर्वरक का खर्चा आता है वो आप ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खेती है, इससे किसान दुगना तिगना चार गुना कमाई कर सकता है, क्योंकि ये एक 12 मासी फसल है, 12 महीने फल देने वाला फसल है। तो जैसे इस्माइल भाई ने बताया कि बाकी सब खेती छोड़ के अगर आप सीडलेस में ध्यान दें, तो मतलब छोटा सा छोटा किसान भी अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, अपने आय के स्रोत बढ़ा सकता है। इस्माइल भाई, आपका नंबर अगर आप बोलना चाहें बाकी किसान भाइयों के लिए तो। हाँ, मेरा नंबर है 999-840-1252। नाम है इस्माइल भाई। एक बार दोहरा दीजिए थोड़ा आराम से, तो क्या किसान भाई को समझ में आए। हाँ, 999-840-1252। तो इस तरह से देखिए किसान भाइयों, इस्माइल भाई ने थोड़े से मेहनत पे, मतलब ज़्यादा मेहनत इन्होंने नहीं किया और एक वर्ष में इतनी अच्छी कामयाबी मिली है उनको। इनके पौधों को आप देख रहे हैं, जैसे कि सभी प्लांट लगभग 5 फीट या 6 फीट, कोई कोई 7 फीट के हैं। तो आप भी अगर सीडलेस लेमन करना चाहते हैं तो इस्माइल भाई से संपर्क करें या बालतरू नर्सरी से संपर्क करें। 15 बरस तक एक बार डाल दिया तो 15 बरस तक देखने का नहीं, और 15 बरस तक अपने को सीजन मिलता रहे, और फायदा ही है, एक बरस उसको संभालना है बस, फिर अपने आप हो जाएगा। इस्माइल भाई का कहना ये है कि अगर आपने सीडलेस लेमन एक बार लगा दिया तो 15-20 सालों तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इससे 12 महीने प्रोडक्शन ही लेते रहना है और उसी में आप बिजी रहते हैं। ओके, धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद।